नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप जुशु गुजराती धोरण बे पेज नंबर 60 खोलो बधा। सरस जो आप अँसुदी लखेलू आप अँए वंदराटोड़ी विषय नीचेना शब्दों उपयोग कर पांच वाक्य लखो कि वंदराटोड़ी शू करे एवं तमने नमूनों आपेलो पर आप पांच वाक्य लखवाना छे, बराबर। तो सौ प्रथम अँलो अपने एक नमूनो जो वंदरा टोड़ी वड पर बैठी है। जो के बदा अक्षरों शब्दों आपेला है, जो हूपाहूप, वड, छापरा, कूदे, केरी, गुलाटो, अगासी, टेटा, गोटला अने जूटा जूट, बराबर। तो अँ सौ प्रथम पेलू वाक्य एवं लखेलू है कि वंदरा टोड़ी वड पर बैठी, वांद्रा टोड़ी वड पर बैठी छे। तो हवे आपणे अहींयाथी कोईपण शब्द ने लई अने बीजुं वाक्य लखीशुं कि वांद्रा टोड़ी हूपा हूप करे छे। वांद्रा टोड़ी वडला डाळे हूपा हूप करे छे, वडला डाळे हूपा रूप करे छे, बराबर। त्यार पछी आमांथी कोई पण शब्द लईशुं, छापरा अने अगासी। तो वांदरा टोड़ी छापरा अने अगासी कूदे छे, वांदरा टोड़ी छापरा अने अगासी कूदे छे। लखाई गयुं बधाने? अक्षर सारा करीने लखजो। पहेलुं वाक्य हतुं वांदरा टोड़ी वड पर बैठी छे, बीजुं वाक्य छे वांदरा टोड़ी वडला डाळे हूपा हूप करे छे, त्रीजुं वाक्य छे वांदरा टोड़ी छापरा अने अगासी कूदे छे। त्यार पछी आपणे चोथुं वाक्य लखीशुं कि वांदरा टोड़ी केरी खाई कोटला नीचे नाखे छे, वांदरा टोड़ी केरी खाई गोटला नीचे नाखे छे। वांदरा टोड़ी केरी खाई अने गोटला नीचे नाखे छे। त्यार पछी वांदरा टोड़ी गुलाटो मारे अने झूटा झूट करे छे, वांदरा टोड़ी गुलाटो मारे गुलाटो मारी अने झूटा झूट करे छे, अने झूटा झूट। आपने आगळ जे शब्द आपेला हता तेनो उपयोग करी अने आपणे वाक्य लख्या छे, बराबर। वांदरा टोड़ी गुलांटो मारी अने झूटा झूट करे छे। त्यार पछी वांदरा टोड़ी वडना टेटा खाए छे, वांदरा टोड़ी वडना टेटा खाय छे, वांदरा टोड़ी वडना टेटा खाय छे। सरस, बधा वाक्यो लखाई गया। बधाने अहींया जे शब्द आपेला हता एनो उपयोग करी अने आपणे अहींया पांच वाक्य लख्या। फरीथी एक वार हूँ वाक्य बोलूँ छूँ ते तमे सांभळजो। वांदरा टोड़ी वडला डाळे हूपा हूप करे छे, वांदरा टोड़ी छापरा अने अगासी कूदे छे, वांदरा टोड़ी केरी खाई कोटला नीचे नाखे छे,
વાંદરા ટોળી ગુલાટો મારી અને ઝૂટા ઝૂટ કરે છે. વાંદરા ટોળી વડના ટેટા ખાય છે. સરસ લખાઈ ગયું બધાને? સરસ, ચાલો હવે પેજ નંબર 61 ઉપર જાઓ. બધા જો 61 ઉપર શું આપેલું છે, તો કે અભિનય ઓળખી નીચે લખો. તે તમને નમૂનો આપ્યો છે. અભિનય, જો આ બધા જે અભિનય કરે છે તે અભિનય શું કરે છે તે તમારે નીચે લખવાનો છે. તો અહીંયા છે, આ શું કરે છે, તો કે પક્ષીની જેમ ઉડે છે. શું કરે છે? પક્ષીની જેમ ઉડે છે. તો આ બીજો છે જે બાળક, એ શું કરે છે, તો કે વાંસળી વગાડે છે. શું કરે છે? વાંસળી વગાડે છે. લખો અક્ષર સારા કરીને, વાંસળી વગાડે છે. હવે આ ત્રીજો ભાઈ છે, એ શું કરે છે? જો એ લખોટીની રમત રમે છે. જો રમે છે, ચાપડેલી લખોટીથી રમતા હોય, ખબર છે, હાથ વડે. હા, તો જો અહીંયા જો એની ક્રિયા એવી છે કે લખોટીથી રમત રમે છે. લખોટીની રમત રમે છે. શું કરે છે? તો કે લખોટીની રમત રમે છે. લખાઈ ગયું બધાને? સરસ. હવે તમારે HW માં શું કરવાનું છે? તો મેં આજે જે લખાવેલું છે લખાવેલ રફ બુકમાં લખવાનું આજે મેં તમને જે સ્વામાં લખાવ્યું તે તમારે રફ બુકમાં લખતું જવાનું અને સાથે સાથે વાંચતું પણ જવાનું છે, જેથી કરી અને તમને બધું આવડી જાય. બરોબર આવજો.